हाय फोक्स, इज जेनिफर। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा ब्लूई ब्लूई इंडिगो टाइप का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ डिफरेंट वेराइटीज, कैटेगरीज, फैशन, एम्ब्रॉयडरीज और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल के ब्लाउजेस जो कि है ब्लू कलर में। यस, अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था ग्रीन कलर के मेरे पूरे कलेक्शन, मेरी और मेरी मॉम के पूरे कलेक्शन ऑफ ग्रीन ब्लाउजेस। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यानी कि आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्लू कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल से डिफरेंट काइंड ऑफ मेरे कलेक्शन जो है, और मेरी मॉम के प्लस इसमें मेरी थोड़ी नानी के कलेक्शन के भी मैं आपको दिखाऊंगी ब्लू कलर के ब्लाउजेस, जो कि होने वाले हैं समथिंग डिफरेंट। चलिए जानते हैं कि आज मैंने क्या पहन रखा है। बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड, तो मैंने पहन रखा है बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की वाइट कलर की कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर इसकी जो है पूरा का पूरा जो है ग्लास वर्क किया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही डिफरेंट सी रिलैक्सिंग फीलिंग है इसमें, क्योंकि व्हाइट कलर है। आपको पता है गोवा में इतनी गर्मी होती है तो व्हाइट कलर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और फिर मैंने पहन रखा है नीचे ब्यूटीफुल कलर ऑफ 3D पिंक कलर का, यू नो नीचे जो है आप देख सकते हो इसमें पिंक ब्लू मल्टी कलर ब्यूटीफुल जो है 3D जो लहंगा या फिर आप कह सकते हो स्कर्ट कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा घेरदार है। इसका प्रिंट आप देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यस, ये सारे मैं आपको कलेक्शन दिखाने वाली हूँ बहुत ही जल्द, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी मेरे न्यू अराइवल्स ऑफ आने वाले लॉन्ग स्कर्ट्स में। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे इस काइंड ऑफ स्कर्ट्स। और शूज़ मैंने जो पहन रखा है वो ग्लास शूज़ पहन रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आप देख सकते हो, और ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड्स में भी कहीं दिखाए थे, तो बहुत लोगों का मुझे मेल आया कि कहाँ से लिया, तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ से लिया हमारे आने वाले एपिसोड्स में। और मैंने जो है नेक पे पहन रखा है 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर का बहुत ही ब्यूटीफुल नॉक लॉन्ग प्लस ये शॉर्ट नेक पीस है, इसको आप कैसे भी पहन सकते हो। अगर आपने मेरा 9 to 5 स्टर्लिंग एपिसोड देखा हुआ तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पहना हुआ है। कान में जो अगेन मैंने पहना हुआ है मेरा फेवरेट 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर का जो है 3-in-1 ईयरिंग है, ये बहुत 3 कलर्स इसमें, ये भी रियल 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर है। हाथ में मैंने अफगानी रिंग्स पहनी हुई है जो कि ग्लास कलेक्शन में है, और क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्लू कलर के जो है ब्यूटीफुल से ब्लाउजेस, तो मैंने पहन रखा है ब्लू कंगन। अगर आपको ये देखने हैं तो मेरा आप कंगन एपिसोड देखिए, जो मैंने आपको बहुत भर के बैंगल्स दिखाए। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैंने लगातार एपिसोड शूट करी थी, ग्रीन भी शूट किया, आज ही मैंने ब्लू भी, तो इसीलिए मैंने इसको टाई कर दिया है विद दिस नाइस क्रंचर जो कि बहुत खूबसूरत है, और ये थोड़ा शाइनी कलर का है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा ये एपिसोड जो कि होने वाला है बहुत ही फन फिल्ड। और यू ऑल साड़ी लवर्स, ब्लाउज लवर्स, आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा डेफिनेटली बताइए। देखिए, ना ही मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं आपको हर एपिसोड में बताती हूँ, ना ही मैं डिज़ाइनर हूँ, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्टडी किया है फैब्रिक्स के ऊपर, और ना ही मैंने, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं मुझे पता है, मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में, जो खुद से जो मैंने सीखा एक्सपीरियंस के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। प्लस जो है आप डिफरेंट हैक्स का एपिसोड एक बनाऊंगी मैं, जिसमें आपको मैं ब्लाउजेस के जितने हैक्स हो सके, जितने मैं यूज़ करती हूँ और मेरी मॉम यूज़ करती है डेली इसमें, तो वो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड और चलते हैं एपिसोड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये एपिसोड जो कि है ब्लू 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 ब्लू, यस, ब्लू ब्लाउजेस के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखाऊंगी, क्योंकि जो है मैंने प्लेन्स जो है फर्स्ट, सबसे सिंपल नॉर्मल जो है वो ऊपर रखे हुए, तो हम वैसे ही स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे बेसिक ब्लाउज दिखाऊंगी, ये है ब्लू, वेरी डिफरेंट ब्लू इंडिगो कलर का ब्लाउज। ये जो है ये मेरी जो है मॉम का ब्लाउज है, या मेरी नानी का ब्लाउज है ये वाला, आप देख सकते हो कितना ज्यादा पुराना ब्लाउज है ये, अभी तक वैसा ही है। तो पुराने टाइम के लोग इस तरह से पहनते थे, एकदम यू नो एकदम प्लेन ब्लू, आप इसकी स्टिचिंग देख सकते हो कितनी पुरानी सी है, और यू नो बट फिर भी ये मेरी मॉम ने संभाल के रखा है क्योंकि उनकी मम्मी का था, तो मैंने भी ले लिया। सो ये है मेरी नानी के टाइम का ब्लाउज, जिसमें यू कट है और इस तरीके से है आगे पीछे से। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगी, अगेन मेरी नानी के टाइम का ब्लाउज है ये वाला भी, और इसमें आप देख सकते हो ये कितना ओल्ड है, बहुत ही ओल्ड है, बहुत पुराना है, और इसके बटन्स आपको देख के पता चल जाएगा
ये किस तरीके के बटन्स पहले के लोग लगाते थे, बहुत ही सिक्योर होते थे ये बटन। इनफैक्ट जो हमारे जो आजकल के वो वाले बटन्स होते हैं जो फटाफट निकल जाते हैं, तो उससे बेटर है ये वाले बटन्स। और इस तरीके से उनकी सिलाई थी आगे का ये है, और ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छे लगते थे इस तरीके से। ये तो ये है मीनानी का ब्लाउज अगेन। नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो मेरी मॉम का ब्लाउज है, मैं फटाफट दिखाऊंगी आपको, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, अदरवाइज ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे आपको बहुत सारे ब्लाउजेस दिखाने हैं। तो ये है अगेन, ये मेरी मॉम का ब्लाउज है इस तरीके के। जब मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी मेरी नानी के टाइप के ब्लाउजेस, बहुत प्लेन ब्लाउज है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है पहनने के बाद, इसका लुक इस तरीके से आता है। नेक्स्ट है अगेन मेरी मॉम का ब्लाउज। तो ये जो ब्लाउज है आप देख सकते हो, बहुत ही स्काई ब्लू कलर का है, बहुत ही डिफरेंट कलर का है और थोड़े शाइनी में है। इसके हाथ इस तरीके से, इसमें अगेन लाइनिंग ही दी हुई है जो कॉटन की लाइनिंग है, और अगेन इसका जो है स्कूप नेक, इसका जो नेक है, और इस तरीके से इसकी सिंपल सी इसकी सिलाई थी, जो कि हमारे बहुत सारे जो सिंपल इस तरीके के ब्लाउज होते हैं बहुत सारी साड़ीज पे आप पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब ढिंचैक नहीं होते, बहुत नॉर्मल लगते हैं। इसे शाइन की वजह से आप इसको कॉटन की साड़ी के साथ पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी, कॉटन की जो साड़ी होती है वो आपकी शाइनी ब्लाउज के ऊपर चल सकती है, और कभी कभी ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ढिंचैक काइंड ऑफ कॉटन की साड़ी हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके के ब्लाउज में, सिल्की टाइप ऑफ ब्लाउज में। लेकिन एकदम जो घर में पहनने वाली हो वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप लुक लगेगा। एनीवेज नेक्स्ट जो है अगेन, ये थोड़े से महाराष्ट्रियन लुक का ब्लाउज है, ये भी मेरी मॉम का है, आप देख सकते हो इस तरीके का ब्लाउज है ये, डिफरेंट मोरपंखी कलर का है। इसका जो हाथ का है इस तरीके का है, यहाँ पर स्लीव, और आगे का जो है ये है, ये सारे मोस्टली फ्रंट ओपन बटन्स के साथ ही आते थे पहले, और अब जो है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके का प्रेफर करती हूँ। मैं साइड जो चेन होती है उस साइड का प्रेफर करती हूँ, कि पीछे शायद आप बांधना थोड़ा मुश्किल होता है, आगे भी वो खुल सकता है, तो साइड में जो है अगर आप आगे भी करते हो उसका शेप इतना अच्छा नहीं आता है देखो, लेकिन अगर आप साइड में करते हो जिप वाले तो वो इजी होता है और इजी ओपन होता है, और आप खुद से भी कर सकते हो, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो ये वो ब्लाउज है। नेक्स्ट अगेन मैं आपको जो नेक्स्ट महाराष्ट्रियन ब्लाउज ही दिखाने वाली हूँ, ये अगेन मेरी मॉम के है, ये पर्पलिश ब्लूइश काइंड ऑफ ब्लाउज है, इस तरीके का ये ब्लाउज है। नीचे जो है आपको जो साड़ी की, साड़ी के ब्लाउजेज होते थे ना पहले, तो आप जिस साड़ी का होता था उसी ब्लाउज का पहन लेते थे, उसी साड़ी का ब्लाउज स्टिच करा लेते थे। अब ऐसे है कि आप कोई भी मिक्स एंड मैच पहन सकते हो, और किसी तरह की भी साड़ी पे कोई भी तरीके का ब्लाउज पहन सकते हो, रेडीमेड ब्लाउज पहन सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि हाँ उसी के हिसाब का ब्लाउज पहनना, अदरवाइज अच्छा नहीं था। तो ये था इस तरीके की साड़ी थी मम्मी की, जो उस तरीके की, ये इस तरीके का, बट अब हमें इसको किसी की तरह पहन लेती हूँ, और पहनने के बाद भी इस तरीके का लुक आता है, अच्छा लुक आता है, ब्यूटीफुल सा। नेक्स्ट है अगेन स्लीवलेस ब्लाउज, ये भी मेरी मॉम का है, इंडिगो कलर का, बहुत ज्यादा बहुत डार्क डार्केश इंडिगो कह सकते हैं, ऐसे वैसा वाला इंडिगो नहीं, नील वाला नहीं, ये इस तरीके का है, सिल्क में है, और कट स्लीव्स है इसके, और यहाँ पर इसका जो बैक है वो वी नेक है, और इसका जो ओपनिंग है वो पीछे रखा हुआ है, बाद बाद में शायद मॉम पीछे रखने लग गई थी, क्योंकि आगे का शेप इस तरीके का प्लेन आता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है साड़ीज के ऊपर, अमेजिंग। इसको मैं भी यूज़ करती हूँ। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कलर इस तरीके का लाइटिश ब्लूइश और थोड़ा पिस्ता कलर मिक्स थोड़ा आता है, बहुत शाइनी है सिल्क टाइप में, ये देखिए बहुत बहुत साड़ियों पर चलता है इस तरीके का है, ये वी नेक आगे से फ्रंट ओपनिंग है, और पीछे से इस तरीके का, ये पूरा शर्ट टाइप फील देता है, अच्छा लगता है यू नो इस तरीके का ब्लाउज, बहुत ही लाइट ब्लूइश में। ओके नेक्स्ट जो है अगेन, ये जो है अगेन, ये किसी साड़ी के ऊपर का ब्लाउज है, तो अगेन ये ओवर लुक इसका इस तरह से लगता है, यहाँ पर जो है इसके स्लीव में जो है वो साड़ी का जो बॉर्डर लाइन है वो दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसका अगेन इस तरीके का पट्टा जो है वो साड़ी का बॉर्डर है, और बैक से जो है इसका प्लेन रखा हुआ है, और ये अगेन मॉम का है, तो इस तरीके की उनकी साड़ी थी तो उन्होंने वो पहन। नेक्स्ट है ये भी जो है मेरी मॉम का है, और ये भी साड़ी के ऊपर का ही ब्लाउज है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ब्लाउज है, इस तरीके का है ये ब्लाउज, आप देख सकते हो फ्रंट जो है इसका अगेन हुक्स इसके फ्रंट पे है यहाँ पर, और ओवरऑल लुक जो है इसका इस तरीके से लगता है, आप देखिए हाथ में अगेन उस साड़ी का जो है उस तरीके का लुक दिया हुआ है, जो साड़ी के जो बॉर्डर पे है वो हला है, काफ़ी हैवी लुक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इसका जो है आप देखोगे पूरा का पूरा इस तरीके का है, और बैक साइड इसका जो है
इस तरीके का, बैक में इनकी अच्छी खासी डोरी लगी हुई है। और इसका मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि, ये वन ऑफ माय फेवरेट ब्लाउज है तो मैं आपको इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। और बैक साइड आप देखोगे इस तरीके के टैसल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही हैवी लुक देता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत टैसल है। आप देखोगे यहाँ पर इसका जो यू नो इस तरीके का है, बहुत हैवी है ये देखिए, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लुक देता है। और यहाँ तक इसके गले में आप देखिए पीछे इस तरीके से बहुत सारे छोटे 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 होल्स है, और इससे आपका जो है बैक बहुत ही सेक्सी लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये देखिए। तो इस तरीके से इसका लुक आएगा। नेक्स्ट है अगेन हम थोड़ा चलते हैं अभी रेडीमेड ब्लाउजेस की तरफ से। मेरी मॉम ने रेडीमेड ब्लाउजेस पहनना शुरू कर दिए थे तो ये सबसे आई थिंक उन्होंने पहले पहले लिया था। इस तरीके का रेडीमेड ब्लाउज आते थे 80s या लेट 80s में आई थिंक, तो उन्होंने तब लिया था ये इस तरीके का। ये बहुत ज़्यादा नेटेड का है, देखिए बहुत खूबसूरत लगता है इस तरीके के नेटेड का जो ब्लाउज है, और यहाँ पर वेरी स्ट्रेचेबल होता है, इस तरीके से इसका लुक है। ये तो मैं भी पहन लेती हूँ कभी कभी। नेक्स्ट है अगेन रेडीमेड ब्लाउजेस में, ये मेरा है, डार्क ब्लूश कलर में है, जैसे हम यूनिफॉर्म पहनते थे स्कूल में उस टाइप के इसका है, इस तरीके का है ये। और यहाँ पर जो है इसका इस तरीके का नेट आता है, और ये इस तरीके का पूरा जो प्लेन लुक है। इस तरीके के ब्लाउजेस स्ट्रेचेबल होते हैं, बॉडी हगिंग होते हैं, तो आप किसी के भी साथ इसको पहन सकते हैं, और मतलब आगे पीछे सेम ही लुक होता है। ओके नेक्स्ट जो है अगेन अब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े से जो है वेलवेट के ब्लाउजेस। ऑफकोर्स वेलवेट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था हमारे टाइम पे, और मैं आपको दिखाती हूँ वाले ब्लाउजेस। तो ये जो है वेलवेट का ब्लाउज बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका कलर बहुत अच्छा है, आप सब कलर देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें भी यहाँ पर इन्होंने ना थोड़े प्रिंट टाइप के यू नो इसमें जो है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हुई है, हैंड पे भी इसका जो है इस तरीके का लुक आता है। और ये जो है एल्बो स्लीव है तो काफ़ी अच्छे से ये यहाँ तक आ जाती है, और बैक साइड भी इसका इस तरीके का है, मतलब उसका पीछे कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। और पहनने के बाद जो है ये हर तरीके की साड़ी के ऊपर अच्छा लगेगा, अगर पार्टी वेयर साड़ीज आप पहनते हो तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट जो है अगेन वेलवेट में ही, थोड़ा सा हम वेलवेट को सिंपल से लेकर अगर हम थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर रहे, थोड़ा फैशनेबल उसमें, तो उस टाइप में आया है इस टाइप का ब्लाउज। हाँ ये मेरी मॉम का है, तो ये स्काई ब्लू कलर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इस तरीके से। और ये देखिए इसमें जो ये लाइनिंग दी हुई है, आप देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत, मतलब ये वाला बॉर्डर लाइनिंग जो दिया हुआ है, नॉट अंडर का लाइनिंग, ये वाला जो लाइनिंग दिया हुआ है इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। इसका लुक बहुत अच्छा था। बैक इसका देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरीके का बैक है, स्कूप नेक है, बहुत डीप है, बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। और यहाँ पर इसका इस तरीके का साइड में भी उसको हाथ में दिया हुआ है, और पहनने के बाद इसका लुक इस तरीके से आता है, अमेजिंग लुक लगता है। नेक्स्ट है अगेन, अब मैं आपको थोड़ा सा हैवी वर्क वाले ब्राउज दिखा रही हूँ, इसमें से ज़्यादा कर मेरी मॉम के ही है तो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो क्योंकि मेरी मॉम जो है आर्मी में थी तो काफ़ी पार्टीज़ में उनको जाना पड़ता था, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उन लोगों ने फिर बहुत ही फैशनेबल बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लाउज स्टिच किए थे, उसमें से मैं आपको कुछ ब्लाउजेस दिखाती हूँ। ये ब्लाउज है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये काफ़ी हैवी है, इसका कपड़ा भी बहुत रॉयल लुक आता है, इसका सैटिन काइंड ऑफ कपड़ा है। इसको हाथ में देखिए, इसे काफ़ी रियल वर्क किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक लगता है इसका, इस साइड में भी देखिए, और ये है, और बैक इसका जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इस तरीके की। हैंड में जब इसका बैक का लुक आता है ना, बहुत ही छोटी सी पट्टी है, और बहुत ही डीप नेक है इसका, आप देखिए बहुत ज़्यादा डीप नेक है, और इसकी पट्टी पे ये वाली डिज़ाइनिंग है, और बहुत ही बेहद खूबसूरत लुक आता है पहनने के बाद। तो मोस्टली इसका जो लुक है मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकती हूँ, इस तरीके से इसका लुक आएगा प्लेन आगे के साइड में, पीछे के साइड में जो है इस तरीके का आएगा, बहुत ही बेहतरीन सेक्सी ब्लाउज है ये वाला। एनीवेज तो थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, मैं अपना ब्लाउज दिखाती हूँ आपको। ये जो ब्लाउज है ये नॉटेड ब्लाउज है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, मैं कुछ कुछ साड़ीज के ऊपर पहन लेती हूँ उसको, तो इस तरीके का है यह, काफ़ी इसका जो वर्क है इस तरीके से वर्क किया हुआ है, और इसमें जो है डबल साड़ी का कलर था, तो इसको स्लीव में मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको यू नो लगा दिया। पीछे जो है इसका नॉटेड है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, ऐसे इसको सिर्फ डायरेक्टली आप जो है नॉट पे ही बांधना पड़ता है, नॉट पे ही ओपन करना पड़ता है,
इस तरीके से है। इसको नॉट ओपन कीजिए और नॉट ही बांधिए। बहुत ही इजी वाला ब्लाउज है ये और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ब्लाउज है। तो अगर आपको बेली बटन छुपाना है तो इस टाइप ऑफ ब्लाउज आपको नहीं चलेंगे, बट आपको थोड़ा सा अगर अच्छा सा डिफरेंट उस तरीके का लुक चाहिए, ब्यूटीफुल वाला, तो ये इसका लुक इस तरीके से आता है, अच्छा लगता है, नाइस कभी कभी पहनना। और ये नॉटेड है विद डोरी। नेक्स्ट है उसी टाइप में, ये मेरे लहंगे का ब्लाउज है जिसको मैं कभी कभी साड़ी पे भी पहन लेती हूँ। तो ये है वो ब्लाउज। इसमें देखिए बहुत डिफरेंट 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 वेराइटीज के जो है, बहुत वर्क किया हुआ है इस ब्लाउज पे, बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज का ब्लाउज है। अगेन इसका बहुत ही स्मॉल सा एक हैंड का ऊपर, जैसे कि स्लीवलेस है तो थोड़ा सा ही ऊपर है, इतना कोई वो नहीं है, यू नो, बहुत बड़ा स्लीव नहीं है। और बैक साइड इसका जो है इस तरह से प्लेन है, अगेन डोरी वाला है, नॉटेड वाला। प्लस आप इसको इस तरीके से पहनेंगे, इसका लुक बहुत ही मजे का आता है। ओके, अब जो मैं आपको कुछ ब्लाउजेस दिखा रही हूँ, ये मेरे कलेक्शन में से है, आई डोंट थिंक सो, से मम्मी का कलेक्शन है ये। जब मुझे थोड़ा सा समझदार हुई मैं कि हाँ भाई मुझे भी साड़ीज़ पहननी है, ब्लाउजेस पहननी है, तो जब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया ब्लाउजेस के ऊपर, तो फिर मैंने जो है इसका तोड़ निकाला कि मैं भाई टेलर के पास जा जाकर नहीं सिलवा सकती हूँ। तो मैंने थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया, फिर जो हमारे फ्ली मार्केट्स जो लगते हैं गोवा में, काफ़ी फ्ली मार्केट्स लगते हैं, और जो कि हैंडमेड, जो उनके जो यू नो खुद के जो बने हुए लेडीज़ होती है, जो खुद की खुद सिलाई करके बनाती है, जो ब्यूटीफुल से, जो उनके जो घर के कपड़ों से जो है थोड़ा मिक्स मैच करके जो है, या अपसाइकल करके जो है, अदरवाइज जो है उनके जो जहाँ जिस स्टेट से वो आए हुए हैं वहाँ की जो खूबसूरत खूबसूरत डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लाउजेस वो फ्ली मार्केट्स में काफ़ी आके बेचती हैं खुद से, तो वहाँ से मैंने जो है, और खासकर जो गवर्नमेंट के फ्ली मार्केट्स लगते हैं वहाँ पर उनके जो कल्चर के जो ब्लाउजेस होते हैं, उनके जो ट्रेडिशनल ब्लाउजेस होते हैं वो वहाँ बहुत मिलते हैं। तो वहाँ से मैंने काफ़ी शॉपिंग की, काफ़ी हर फ्ली मार्केट में मैं जाती थी ब्लाउजेस साड़ीज़ देखने लिए। साड़ीज़ भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ, मेरे साड़ी एपिसोड भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो पहले मैंने सोचा कि मैं आपको ब्लाउजेस दिखा दूँ फिर आपको साड़ीज़ दिखाऊंगी। तो एनीवेज, तो पहले देखते हैं ये वाला ब्लाउज, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्लाउज है। आप देखिए इसका पहले लुक, इस तरीके का इसका ब्लाउज है। तो आप इसका नेक देखो कितना अच्छा है, वन साइड ऊपर जाता है इसका नेक, और यहाँ पर इसका काफ़ी स्कूप नेक दिया हुआ है, और इसका जो है काम इस तरीके का, डिफरेंट डिफरेंट मल्टी कलर भी है इसमें, बट ब्लू जो है बेसिक कलर जो है ब्लू है। बैक साइड देखिए इतना ज़्यादा खूबसूरत है, क्रिस क्रॉस भी आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पट्टा इसका बड़ा अच्छा है और इसका लुक जो है इस तरीके से आएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये इस तरीके का कट, बहुत ही अमेजिंग लुक है इसका। ये नेक्स्ट जो है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्लाउज है और बहुत ही डिफरेंट ब्लाउज है, आप इसको देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए, ये है वो ब्लाउज, ये पूरा इंडिगो और बहुत ही ब्यूटीफुल सा, यू नो जैसे कहते हैं ना, जैसे वो ट्रेडिशनल सा ब्लाउज है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये इस तरीके का। मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा बांधनी टाइप इसमें लुक आता है, और नीचे जो है इसका बांधनी टाइप जो टैसल्स है, जैसे मैं आपको बता रही थी ना फ्ली मार्केट से, तो ये वाले टाइप के स्टफ्स के वहाँ पर बहुत फ्ली मार्केट में मिलते हैं, जो कि होम ग्रोन ब्रांड्स जो इनके होते हैं, जो घर में बैठ के बनाते हैं लेडीज़ जो है। तो इस तरीके का पीछे आप देखोगे इसमें, तो पीछे के जो है इसका ओपनिंग है बटन्स का इस तरीके का, और वहाँ पर टैसल्स है, बहुत ही डीप, यू नो डीप नेक है इसका। और पहनने के बाद तो भाई इसका क्या लुक आता है, बड़े मज़े का लुक आता है। इसको मैं पहन पहन के दिखाऊंगी आपको जब मैं सारी इसका शूट करूंगी तब। ओके, तो दिस इज द वन आई रियली लव, लाइक अ बांधनी ब्लाउज। ओके, नेक्स्ट जो अगेन ब्लाउज है वो इस तरीके का ब्लाउज है, बहुत ही ज़्यादा वर्क है। इसका कलर थोड़ा सा बैंगनी प्लस ब्लूइश कलर का आता है, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ब्लाउज आप देखोगे, इस तरीके का ब्लाउज है। इसमें पूरी की पूरी वर्क इस तरीके की है, और जो है ब्लू पिंक और गोल्डन कलर का इसका है। बैक साइड जो है इसका इस तरीके का है, और अगेन डोरी दी हुई है यहाँ पर विद टैसल इस तरीके से, और जो है अच्छा है, बहुत ही हाथ इसके नहीं है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर इसके साथ एक्स्ट्रा हाथ आते हैं, अगर आपको यू नो कट स्लीव नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए थोड़ा सा चाहिए, या फिर फुल स्लीव चाहिए, तो आप इसमें लगा सकते हो। ये जो था मैंने ऑनलाइन से लिया था, पता नहीं कब लिया था वो। तो नेक्स्ट जो अगेन है, अगेन ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्लाउज है, और इस तरीके के ब्लाउज ना बहुत कम मिलते हैं, तो लेकिन जब मुझे मिला तो मैंने ले लिया है। तो ये है वो ब्लाउज, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इसका जो बेस्ट पार्ट है इसका नेक है। आप देखिए इसका नेक, अमेजिंग इसका नेक है, और इसका बोट नेक टाइप दिया हुआ है, लेकिन इसका जो बोट नेक है ना पूरा का पूरा इस तरीके से है,
और इसका लुक इस तरीके से आता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ इस तरीके से, यू नो। और इसका जो काम देखो आप, इतना खूबसूरत सा इसका काम है। और बैक साइड जो है इसका पूरा का पूरा जिप बंद आता है, तो ये पीछे से बंद होता है और इस तरह से इसका जिप जो है, जिप ओपनिंग है इसका, आप देख सकते हो इस तरीके से, ये रहा इसका जिप का ओपन है इस तरीके से। और ये है, तो ये पूरा ऐसा लगता है ना जैसे विक्टोरियन जमाने का जो था, इस तरीके से जब आप वो लेडीज, रॉयल लेडीज जब पहनती थी ना इस तरीके से, तो वो इस तरीके का ब्लाउज है। बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है पहनने के बाद। नेक्स्ट है अगेन, बहुत ही ट्रेडिशनल ब्लाउज है ये वाला, और मुझे इस तरीके के ब्लाउज बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखिए, यू नो पैरेट कटोरी काइंड ऑफ ब्लाउजेस आते थे उस टाइप का है ये, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सा है। ये इस तरीके से है इसका जो वर्क, और बैक पूरा फुल जो है ये इस तरीके से लगता है। इसके ऊपर आप कोई भी साड़ी पहन लो यार, बड़ा ही खूबसूरत लगेगा इसके ऊपर। और इस तरीके से ये देखिए, इसका हैंड इतना शॉर्ट स्लीव है एकदम से, और पीछे से जो है ये इस तरीके का है, इस तरीके का। और ओवरऑल भी तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, इस तरीके से दिखता है, बड़ा ही मजे का है। नेक्स्ट जो ब्लाउज है अगेन, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस टाइप पे मैंने ग्रीन में ही मंगाया था, अगर आपने मेरा ग्रीन एपिसोड देखा होगा तो ये मैंने सेम सेम ब्लू में ही मंगा लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज है ये देखिए। तो ये इसमें अगेन ये पूरा का पूरा फुल हैवी वर्क है। अगर आपको हैवी वर्क बहुत पसंद है मेरी तरह, तो इस तरीके का ये वाला ब्लाउज ऑनलाइन से लिया था मैंने ये, तो आप ले सकते हो। ये देखिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक है। अगेन इसके जो स्लीव पे है मोर बना हुआ है। अगर आपने ब्लू कलर का ग्रीन एपिसोड में देखा होगा, तो मैंने आपको कोल्ड शोल्डर वाला दिखाया था, ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें कोल्ड शोल्डर नहीं है। और इसकी स्लीव के ऊपर इस तरीके का पूरा पिंक ग्रीन ब्लू का मोर बना हुआ है, मतलब आप कोई भी साड़ी पहन सकते हो इसके ऊपर दोनों साइड में। और उसका ओपनिंग जो है ये फ्रंट है, और यस फ्रंट ओपनिंग है। और ये देखिए कितना प्यारा लुक आता है इसके, ये इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा, है ना, मजे का लुक है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ थोड़े से डार्क कलर्स में। ब्लू भाई सब लाइट लाइट थोड़े ना होते, डार्क कलर्स भी तो होते हैं। तो ये वाला जो ब्लाउज है अगेन, ये मैंने फ्ली मार्केट से लिया था, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये ब्लाउज। और ये देखिए इसका वर्क, अमेजिंग वर्क है, बहुत हैवी वर्क है। और ये है अगेन इसका कोल्ड शोल्डर में जो मैंने लिया हुआ है, लेकिन इसका डार्क कलर देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है ये। और ये देखिए पूरा इसका लुक। सबसे मजे की बात इसमें जो है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इसका हाथ जो है बहुत ही भरा हुआ, और इसमें जो है अगेन कोल्ड शोल्डर टाइप है। और इसका लुक देखिए, जब आप हाथ पहनते हो ना, बड़ा ही खूबसूरत सा लुक आता है इसका। ये हाथ का लुक है, पाइपिंग यहाँ गोल्डन दी हुई है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इसका और भी इसमें सरप्राइज, मतलब इस ब्लाउज में ना सब कुछ है। नेक इतना भरा हुआ, इतना रॉयल लुक, गोल्डन कोल्ड शोल्डर विथ सच एम्ब्रॉयडरी। और बेस्ट पार्ट आपको मैं बताती हूँ, इसका बैक, आप इसका बैक देखिए, अमेजिंग खूबसूरत सा बैक है, कितना ज्यादा भरा हुआ। मतलब अगर आपसे, आपका कोई हाथ से शुरू करता है देखना, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखते 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 आपके बैक पे भी जो आएगा, ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत इसका बैक है विद डिफरेंट हैंड, अमेजिंग है, बहुत ज्यादा काम है इस पे। और उसका बैक का डिजाइनिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने ये लिया। और ये था इसका लुक जो इस तरह से लग देगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक है। नेक्स्ट है थोड़े से कोठी टाइप ऑफ ब्लाउजेस जो है, होती है राजस्थान ब्लाउजेस, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लू में, मैं आपको मैंने बताया ब्लू में आपको बहुत सारे ब्लाउजेस दिखाने वाली हूँ। तो ये जो है ब्लाउज, ये है इस तरीके का। हर टाइम आपको ओपन पेट दिखाना या हर टाइम जो है नेवल दिखाने का मन नहीं करता, कभी अगर फुल पहनने का मन करता है एक अच्छी सी, यू नो काइंड ऑफ साड़ी टाइप, तो मैंने ये वाला जो है लिया हुआ है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोटी टाइप लगता है, और स्मॉल कुर्ती टाइप भी कह सकते हो आप इस तरह से। पीछे से इसका जो है प्लेन है, और थोड़ा सिल्क मटेरियल में है, तो ये सारी साड़ी इस पर चल जाता है, और इस तरह से इसका लुक आता है। देखिए मेरे स्कर्ट के ऊपर भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी टाइप में जो है, बहुत ही हल्का फुल्का मटेरियल है, तो आप पहन सकते हो इसे। इसी टाइप में मैं थोड़ा और आपको हैवी लुक चाहिए, तो हैवी लुक में इस तरीके का जो है बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप लुक लगता है इसका। ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अगेन इस तरीके से ब्रोकेड में, या फिर आप जो है बनारसी सिल्क में इसको सिलवा सकते हो अपने साइज के हिसाब से। लेकिन मैंने ये तो रेडीमेड ही लिया था, बहुत साल पहले लिया था, आई थिंक 10 साल पहले लिया था मैंने ये। अगेन ये देखिए मेरे
लहंगे पे बहुत अच्छा लग रहा है, स्मॉल कुर्ती टाइप भी। तो ये सारे जो ब्राउजेस होते हैं जो ब्रोकेड के होते हैं या बनारसी होते हैं, ये बहुत आपकी साड़ीज में चल जाते हैं, बहुत जगह आपको काम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अब थोड़े से जो है वेस्टर्न टाइप के ब्लाउजेस दिखाऊंगी मैं, जो मेरे टॉप टाइप भी हो सकते हैं, मैं उसको एज अ ब्लाउज भी बहुत सारी ऊपर पहनती हूँ और बहुत